हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बर्तनों के आयतन का अनुमान और जांच एस्टिमेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। राजू और बबलू सिक्के इकट्ठा कर रहे हैं। राजू, मैं 1 रुपए के सिक्के इकट्ठा करूंगा। मैं 5 रुपए के सिक्के इकट्ठा करूंगा बबलू। चलो हम बाजार से सिक्के इकट्ठा करने के लिए डिब्बे खरीदें। लेकिन राजू, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने डिब्बे खरीदने चाहिए? इसके लिए हमें इन 100-100 का आयतन वॉल्यूम ढूंढना होगा। लेकिन मेरे घर पर तो मापक जग नहीं है। कोई बात नहीं, हम अपना मापक कप बना सकते हैं। अरे वाह, वो कैसे? बबलू, क्या तुम्हारे पास कोई खाली बोतल और कोई जग है? हाँ, मैं अभी ले आता हूँ। राजू, ये देखो, मेरे पास ये 20 मिलीलीटर की इत्र की बोतल है और मैं ये जग भी लाया हूँ, लेकिन तुम इनका क्या करोगे? अभी बताता हूँ। पहले हम इस खाली बोतल को पूरी तरह पानी से भर लेंगे, फिर हम बोतल को इस जग में खाली कर लेंगे। क्योंकि बोतल का आयतन वॉल्यूम 20 मिलीलीटर है, हम कह सकते हैं कि जग में फिलहाल 20 मिलीलीटर पानी भरा है। बबलू, एक पेन से तुम इस जग में अभी भरे पानी के स्तर पर 20 मिलीलीटर लिख लो। बबलू ने झट से जग में भरे पानी के स्तर पर 20 मिलीलीटर का निशान बना लिया। अब हम बोतल को हर बार पूरी तरह भरकर इस जग में खाली करते जाएंगे और हर बार जग पर पानी के स्तर में 20 अंक जोड़कर निशान बनाते जाएंगे। इस तरह जग पर 40, 60, 80 इत्यादि मिलीलीटर में नाप बनते जाएंगे। ये देखो बबलू, हमारा मापक जग तैयार हो गया। अब हम इसका इस्तेमाल करके सिक्कों के आयतन वॉल्यूम का पता लगा सकते हैं। अरे वाह राजू, ये तो कमाल का नुस्खा है। चलो हम 10-10 से 1 रुपए और 5 रुपयों के सिक्कों के आयतन का पता लगा लें। राजू और बबलू ने उनके द्वारा बनाए मापक जग का इस्तेमाल करके पता लगाया कि 10 1 रुपए के सिक्कों का आयतन 20 मिलीलीटर है और 10 5 रुपए के सिक्कों का आयतन 40 मिलीलीटर है। बच्चों, अब क्या आप बता सकते हैं कि राजू और बबलू को 100-100 एक और 5 रुपयों के सिक्कों को रखने के लिए कितने आयतन के डिब्बों का इस्तेमाल करना होगा? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। 10 1 रुपयों के सिक्कों का आयतन है 20 मिलीलीटर, इसलिए 100 1 रुपयों के सिक्कों का आयतन होगा 20 × 10 या 200 मिलीलीटर, और 10 5 रुपयों का आयतन है 40 मिलीलीटर, इसलिए 100 5 रुपयों का आयतन होगा 40 × 10 या 400 मिलीलीटर। राजू, चलो हम जल्दी से बाजार चलकर 200 और 400 मिलीलीटर आयतन के डिब्बे खरीद ले। दोनों दोस्त उत्साहित होकर मार्केट की ओर चल पड़े। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा बर्तनों के आयतन का अनुमान और जांच एस्टिमेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे।